Namaste and welcome to Spicearoma.in, where food is love and religion. आपने इंदौरी पोहे के बारे में तो बहुत सुना होगा। आज मैं आपके लिए एक इंदौरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इंदौरी खोपरा पैटीज के नाम से जानी जाती है। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल spicearoma.in पर लॉग इन करें। मैंने अपने आलू को बॉयल कर मैश करके एक बाउल में रखा हुआ है। इन आलू के अंदर मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर मैं आलू को साइड में रख दूंगी। अब एक फ्रेश बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। तो मैंने नारियल को स्लाइसेस में काटा ग्राइंडर के अंदर और उसे ग्राइंड कर लिया, तो वो इस तरह से ग्रेट हो चुका है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कुटे हुए रोस्टेड पीनट्स और काजू, यानी मूंगफली और काजू, किशमिश, कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। एक नींबू का रस मैं इसके अंदर स्क्वीज कर दूंगी। नमक, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने पैटी बनाने की तैयारी करेंगे। पैटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने हाथों के अंदर तेल डाल दूंगी ताकि वो अच्छे से ग्रीस हो जाए, तो जो आलू का मसाला है वो चिपके ना हाथों में। अब बॉल साइज का मैं मिक्सचर निकालूंगी आलू का और उसे हाथों पर फ्लैट करूंगी और बीच से थोड़ा सा कैविटी बनाऊंगी, यानी थोड़ा सा गड्ढा बनाऊंगी ताकि हम अपने कोकोनट के मिक्सचर को उसके अंदर फिल कर सकें। अब कैविटी के अंदर मैं अपने कोकोनट के मिक्सचर को डाल रही हूँ। मिक्सचर के डालने के बाद मैं अंगूठे से अपने मिक्सचर को दबाऊंगी और साइड से अपने आलू के फिलिंग, आलू के मिक्सचर को उठाती जाऊंगी ताकि हम अपने टिक्की को इस तरह से बंद कर सकें। बंद करने के बाद मैं इसे अच्छे से फ्लैट कर लूंगी, बोल करके मैं इसे पैटी का शेप दे दूंगी। इसी तरह मैं बाकी पैटीज भी बनाकर तैयार कर लूंगी और अब मैं इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। एक घंटे बाद मैंने अपने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और अपने पैटी को फ्रिज से निकाल कर मैं इसे फ्राई कर लूंगी। तो आपको फ्राई करना है इसे मीडियम टू लो या हाई टू लो फ्लेम पर। मैं साइड से थोड़ा थोड़ा कर तेल अपने पैटी के ऊपर डालती रहूंगी ताकि ऊपर से भी ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए। अब मैं अपने पैटी को पलट दूंगी और दोनों साइड से जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता मैं इसे फ्राई कर लूंगी। अब ये फ्राई हो चुका है तो मैं इसे पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी पैटीज को भी फ्राई कर लेंगे। अब पैटीज को मैंने फ्राई कर लिया है, प्लेट के अंदर लगा दिया है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ डेट और टैमरिंड की चटनी, यानी खजूर और इमली की चटनी। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इस चटनी को, मैं करीब 2 से 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी धनिया और पुदीने की चटनी। थोड़े से अनार के दाने डालेंगे हम ताकि इसे थोड़ा कलर दे सके। और इसे लास्ट में मैं गार्निश करूंगी जिंजर के जूलियंस के साथ। तो आपको हमारे इंदौर की स्पेशलिटी वाली स्ट्रीट फूड की रेसिपी कैसी लगी?
पसंद आई हो तो आपको पता है ना क्या करना है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए और हमारी अगली रेसिपी तक खाइए, खिलाइए, खुशियां बांटिए।